खंडेराव परी महाराज न्यूत में खंडेराव परी सा लाग नहीं रहा। और क्यों कर लागा का खंडेराव? ये तो मेरा भी मैं कम्मू कब्जा कर दो हैं कि मेरे तो भी चुन्नी दे दो कोई किसी की। ओहो ठीक है, तू भी पूरी लुगाई बना दो। हां ठीक है भाई, एक चुन्नी चांदी ले ले किसी की भी तने पसंद आवे की ले ले, जा ले 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 चुन्नी बजा के ले आओ एक बार। मैं नहीं बोड़ी आ गई, किसी ने मुंह दिखाई करनी तो कर लियो एक बार जोरदार ताली। और मुंह मत दिखाइए बिना पीछे लिए। पहला सांगा में सांग होया करते, उनमें ओरिजिनल लुगाई तो थी ना, तो जो सुथरा सा छोरा था उसने चुन्नी चांदी परा कर लुगाई बना दिया करते, वो स्वरूप आपके बीच में। हाँ खंडेराव परी बोलिए। मुसाफिर मुसाफिर हाँ एक बात कहनी थी देर तक बता। मेरा जो दिल है ना दिल, हाँ यो तेरे ऊपर आ गया दिल। हाँ मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर है बाहुली। किडनी भी कोई आने की चीज, दिल भी कोई आने की चीज होया कर। अरे मतलब मन तेरे तक प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार प्यार। और मैं करना चाहूं तेरे तक शादी। क्या करेगा? ब्याह 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 करूंगा। लेवल हां इतना 5 मिनट नहीं होवे और अभी ले ले बन्नो तू तो एक आध घंटे में दिया करेगी तू बन्नो। हां अच्छा मेरी बात सुन ले। सुना मैं तू मुझे जानती है ना? ना जानती तू जान ले। इस नगरी का नाम क्या है? तामोल। और अड़े का राजा का क्या नाम है? श्यामधाम। श्यामधाम की छोरी कौन है? वह है रतनकोर। रतनकोर का घराला कौन है? उसका ब्याह है भी। हाँ वीर विक्रमाजीत नाम है कोई उसका। वो वीर विक्रमाजीत मैं हूँ। वो ही है कि तू? हाँ मैं वो ही हूँ। तेरा तो यार रतनकोर के ब्याह हो लिया, अड्डा के बैंगन लेना आया है। बैंगन नहीं तेरे तो ब्याह करना आया हूँ मैं। आया ब्याह करना, मेरी मर्जी नहीं, जो क्यों ब्याह करेगा? मैं राजा हूँ, अगर ब्याह ना करेगी ना तो तेरा जन बच्चा को लूम पिलवा दूंगा। जन बच्चा तो कि मैं है कोने के पिलवा गो तू, तेरा माँ बाबू भाई बेबे सब लोग मरवा दूंगा। हाँ। तो ऐसे में किसी मूर्ख आदमी के साथ विवाह नहीं कर सकती। बावली मूर्ख को ना ज्ञानी सु ज्ञानी से। हाँ तो मेरे सवाल का जवाब दे। पूछ सवाल। सवाल बोलिए रे मुसाफिर तेरे तन में शीलक हो। तेरे तन में मन में सब चीजें हम शीलक कर दूंगा। हाँ। ना सुन तेरे सवाल है क्या? कुछ कुछ एक बात है, भगवान ने गलती कर दी। अच्छे ठाटे सवाल। हाँ। भगवान ने गलती तो कर दी, तू छोरी होना चाहिए था। देखो हो जच रहा छोरा खती। सुन सवाल पूछ और जवाब ले गए लगे सवेरा जावणी। कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावणे आली। कौन देवता सब रस उगले कौन दूसरी खावणे आली। कौन पखेरु बिना पंख का कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन वृक्ष बिना डाल बता दे। मैं उसकी गला ब्याह करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे। उसकी गला ब्याह करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे। एक बार अपने सवाल फिर दोहरा। कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावनाली? एक देवता ईशा है जो पूरी रात पूरे दिन कई बार आग में तपता है। गर्मी में रहे हर एक देवता ईशा है जो दिन में कई बार नहावा ही स्नान करे है। कौन रात को सब घर आवे हुआ सवेरा जावनाली? हाँ। कौन देवता सब रसगुल्ला, कौन दूसरी खावनाली? ठीक। कौन पखेरू बिना पंख का, कौन सब निकाल बता दे। कौन सरोवर बिना नीर का, कौन वृक्ष बिन डाल बता दे। मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं, जो पूरे मिले सवाल बता दे। मैं बताऊंगा। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो? सब तो सुन ले, एक बार ध्यान से सुनना जी। आइए। सूर्य देवता तपे रोजाना, माने आदत नावन आली। रात श्याम ने सब घर आवे होया सवेरा जावन आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावन आली। इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावन आली। एक जीव पखेरू बिना पंख का, कौन जीव? मेरा सवाल नहीं था कि कौन पखेरू बिना पंख का। इंसान के अंदर जो जीव आत्मा है, आत्मा वो बिना पंख का पक्षी है। फलाना आदमी कई बार समाज में न्यू कह दे, फलाना आदमी अभी तो जीव था और अभी पीछा न उड़ गया, इसका प्राण पखेरू उड़ गया। बिल्कुल जीव। अरे जीव पखेरू बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं। आंख सरोवर बिना नीर का, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं। ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो? सुन ले। राम जगत में एक है, राम जगत में एक है। अरे चांद और सूरज दो, सवाल ठीक थे? ठीक थे। तो कितने सवाल? अभी आधे सवाल हो गए। कौन हुए हैं? हाँ, आधे तो हो गए। तो इसका मतलब तू मेरी 50% बहू बनी। हाँ 50%। ये बता 5% मान क्यों? सवाल आधे बता दिए। ये तो मेरे कुछ सवाल थे। अच्छा। और मेरी कुछ शर्त और हैं, जिनके आधार पर मैं रहूंगी। अच्छा शर्त भी है? हाँ। बता कौन सी शर्त है तेरी? कदे तेरा पानी ताता नहीं करूँ। पानी ताता नहीं करूँ? मत करिए पानी ताता, ससुरा ठंडे बना लूंगा, शरीर ठीक रहेगा। तेरी रोटी नहीं बनाऊं? रोटी भी नहीं बनाऊं? चल कोई बात ना, मैं रोटी पोण वाला कोई बिहारी पकड़ दूंगा, वो बना देगा। और बता। बर्तन ना दो कदे भी? बर्तन भी ना दो? कोई बात ना, राजा आदमी हूँ, रोज नए नए बर्तन मत खाऊंगा। कदे तेरी सेज भी नहीं बिछाऊं? और सेज में सारी बात समझ दिए कदे? सेज भी नहीं बिछावे? कोई बात ना, मैं तेरी भान रतन को और बिछा देगी। और सब तमें इंसर दिया। हाँ। कि दिन में रहूंगी और रात ने ना रू है। हाँ दिन में रहेगी रात ने ना रू नहीं, रात ने किस जागी कितना भी जाओ तन्ने खेल रहा बता तो सही। चल ठीक है रात ना किस जागी तू न्यू तो बता। न्यू क्यों बताऊं? नहीं बता तू सारा काम खराब नहीं हो जाएगा। चल तो फिर मैं तेरी गैल चला करूंगा। गैल चल के क्या करेगा तू? मैं तेरे साथ चलूंगा, देखूंगा किस जाए कितनी है। माननी तो मान, लेक्चर मत दे। मतलब तेरी शर्त यो है कि दिन में रहेगी रात न को न रहे ना, और नहीं तो ब्याह नहीं करे ना। चल तेरी यह शर्त भी मंजूर हो। हम तो दिन आला काम रात आला काम सुसरा दिन में कर लेंगे। तो मेरी एक शर्त और लास्ट की सोलहवीं शर्त एक और। हाँ। अरे कह रह गया बुआ। हाँ सुनो पापा। हाँ सुना। जब तू मेरे तब बोलिया अच्छा तो तू गुलाम है, और मैं तेरे तब बोली तो मैं गुलाम। हेलो। हाँ क्या कर रही है तू? तना ब्याह नहीं करना, साफ साफ नाट दे। शर्त है मंजूर है तो तेरे मारूंगी। फिर क्यों आया था ब्याह करने की बच्ची? जब फिर क्यों आया था ब्याह करने? हां करो मान शर्त। मतलब ब्याह करेगी नीनू ना। क्या शर्त थी? तू बोलिया तू गुलाम, मैं बोली मैं गुलाम के। हां तू बोला था तू गुलाम, मैं बोली तो मैं गुलाम। मतलब जुन सा पहला बोला का असल बाप का कोनी तो इसता बढ़िया। तो मैं किसे पाड्डे तब ब्याह कर लियो ससुरा गूंगा है, तू भी गूंगी वो भी गूंगा। हम पाड्डा 500 रुपया कमा के दे एक दिन का, तू वो भी ना कर मेरा वो भी सुख कोनी। चल हमने क्या करना, हमने तो आंसर नहीं छुटानी। चल ठीक है यो शर्त भी मंजूर मान ली। फिर ब्याह करा के करागो मैं तो राजी हूं। सुन ले तो कुछ सवाल का जवाब और दे। कूदा नहीं तो ये टांग जो सी ना ये कंधे पर टांग करने ले जानी पड़ेगी। एक बात तो है तू ना तो बोल ले ना कुछ बात। एक काम करिए घर में कूदती रहिए, मेरा जी ला गया रहेगा। नोबी दिन मैं कूदूंगी रात में भाईला एकला कूदिए। अच्छा हे रे किसने मंगा रोज बरसना, किसने मंगी करड़ी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूख, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाहे रूप, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाहे रूप। ये कौन करते दहन जगत में, कौन करते जान जगत में, क्या के भरे रहे भंडारे, कौन उठे कष्ट जगत में, किसके जाके लागे मारे। तेरा हमारा ब्याह हो जाते राजी हो जायो करता, तेरा हमारा ब्याह हो जाते राजी हो जायो करता। रे कौन जगत में जागता, रे कौन जगत में जागता, रे कौन रहा पड़सो शब्दों पर गौर देना जी। किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप। समाज में एक आदमी ईशा है जो तो एक तो नूचाओ परमात्मा मैं ना बरसाइए रोज धूप लिकड़ी रह कलडी, अरे एक आदमी ईशा परमात्मा रोज मैं बरसवाए जा। किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। एक आदमी तो ईशा है जो नूचावे भाई रात चांदनी हो, एक नूचा हो मन कोई देख ना ले। किस प्रकार से पंडित दादा लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि हुए हैं, आखिरी कली में निचोड़ कराया और इन सारे सवालों के जवाब दिए। अगर कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा के स्वागत करते हैं नाना जी। आखिरी बात में क्या दर्शाया कैसे? माली मांगे रोज बरसना, धोबी मांगे करड़ी धूप, सतपुरुषा की नगरी अच्छी, सच्चा बालक अच्छा भूप, साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चावे रूप, साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चावे रूप। ये दानी करते दान सभा में, धन के भरे रहे भंडार, श्री लक्ष्मीचंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब परिवार। लक्ष्मीचंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा सब परिवार। लास्ट सवाल बड़े गौर का और सुनने लायक है। सवाल यो था कि कौन जगत में जागता, कौन रहा परसो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, क्या चीज जागरी है, के सोरिए। ध्यान से सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजा के स्वागत करना। सुनिए, आज पाप जगत में जागता, आज पाप जगत में जागता, और धर्म रया पड़सो।